फर्स्ट डेट, जी हाँ, ये दो वर्ड्स अपने साथ बहुत एक्साइटमेंट लेके आते हैं और एक्साइटमेंट के साथ साथ अपने साथ ये नर्वसनेस, एंग्जाइटी भी लेके आते हैं एंड दैट क्या कहते हैं उसको, बटरफ्लाइज इन द स्टमक वाली फीलिंग. यस, एंड लेट मी टेल यू, इट्स जस्ट नॉट विद वुमेन, इवन मेन अंडरगो दीज एक्सपीरियंसेस. जी हाँ, इनफैक्ट मर्दों पे तो एक और प्रेशर होता है कि उस बंदी को इम्प्रेस करके आने का ऑन द फर्स्ट डेट. And I completely agree that with this line of thought ki you got to impress the girl, but hum galtiyan kahan karte hain jab hum is impress karne ke chakkar mein sirf yahi sochte rehte hain ki mujhe us ladki ko impress karna hai, mujhe us ladki ko impress karna hai, mujhe us ladki ko impress karna hai. Bas yahi hamari gaadi track se dagmaga ke niche chali jati hai, which is why I'm making this video at the first place to help men. So that the next time you are on your first date, you are not going to make these mistakes. और हाँ, इस वीडियो के एंड में मैं एक सवाल पूछने वाला हूँ जिसका इन टिप से कोई लेना देना नहीं है. It is going to be a scenario and I want you to put yourself in that scenario and tell me, आप क्या करते अगर आप उस जगह पे उस लड़की के साथ डेट पे होते. So do watch for that question. पर उससे पहले शुरू करते हैं with these important tips. सबसे पहली बात, द प्लेस जहां पे कि आप ये फर्स्ट डेट करने जा रहे हो, प्लीज इंश्योर दैट दिस इज नॉट योर प्राइवेट और पर्सनल स्पेस जहां पे आप उस लड़की को बुला रहे हो. कीप इन माइंड दिस इज द फर्स्ट टाइम शी इज गोइंग टू मीट यू, शी हैज टू फील कंफर्टेबल एंड बाय इनवाइटिंग हर टू मीट इन अ पर्सनल प्राइवेट स्पेस इज नॉट गोइंग टू हेल्प हर. थिंक ऑफ द फैक्ट कि द थंब रूल सेज, जो मैं अपने पे इम्प्लीमेंट करूँगा, कि अगर मेरी सिस्टर हो और उसे उसकी फर्स्ट डेट पे एक दूसरा इंसान बुला रहा हो जिसको मैं नहीं जानता हूँ, हाउ वुड आई फील अबाउट माय सिस्टर वॉकिंग डाउन टू दैट मैन्स पर्सनल स्पेस, राइट? सो चेक ऑफ दिस इंटायर थॉट प्रोसेस ऑफ इन्वाइटिंग दैट गर्ल टू योर प्राइवेट स्पेस. गो फॉर ए पब्लिक स्पेस. अब यहाँ पे भी, इफ आई एम दैट ब्रदर हुज सिस्टर हैज बीन इन्वाइटेड, आई वुड ऑल्सो पे अटेंशन टू द फैक्ट दैट कि ये पब्लिक स्पेस तो है कहने को, पर ये ऐसा तो नहीं शहर से बाहर कहीं दूर जहाँ नेशनल हाईवे लेके जाना पड़े, ऐसा तो नहीं शहर के अंदर ही कोई बहुत ही गुमनाम गुमसुम सी गली या ऐसी गली जहाँ पे कि बहुत क्राइम प्रोमिनेंट हो. आई वुड बी अनकम्फर्टेबल टू वॉक टू दिस प्लेस. सो पे अटेंशन टू दिस फैक्ट दैट इन्वाइट हर टू अ पब्लिक प्लेस जहाँ आपके आसपास इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हों ताकि वो कंफर्टेबल फील करे. उसके कम्फर्ट के साथ साथ आपको अपना कम्फर्ट फील करना भी बहुत ज़रूरी है. When I say this, I mean ऐसा ना हो कि आपने लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में जी 5-star होटल में एक टेबल बुक कर दिया. नहीं, अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है, प्लीज़ डू नॉट गो अहेड विद दिस आइडिया. अगर आप 1,000-1,500 में अपना डिनर पूरा करके आते थे या 500 रुपये में पूरा करके आते थे, इन्वाइट हर टू द सेम प्लेस सो दैट ऐसा ना हो कि आप खुद सरप्राइज हो जाएं जब आप when you happen to walk down into a new space जहां आप कभी पहले गए ही नहीं हैं. Economical budget is definitely one thing. पर मान लो आपको एक मेन्यू पकड़ा दिया गया, अब उसमें आपको आधी डिशेज समझ में नहीं आ रही क्योंकि वो रेस्टोरेंट आपकी लीग से बाहर, आप कभी गए नहीं हैं. डिशेज तो छोड़ दो यार, आपको उनके प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आ रहे, तो फिर आप उसके सामने यही कहोगे कि नंबर 3 ले आ दो मुझे और नंबर 4 ला दो, और ऐसा आप उसको इम्प्रेस नहीं कर सकते हो. सो इट्स गोइंग टू बी अ सेल्फ गोल स्कोरिंग टैक्टिक्स फॉर यू विच यू कैन स्टे अवे फ्रॉम. ऑल्सो द टेस्ट, और सिर्फ खाने के टेस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, टेस्ट ऑफ द एम्बियंस एंड थिंग्स अराउंड यू. फॉर एग्जाम्पल, उस जगह पे गज़ल चल रही है और आपका गज़ल में टेस्ट ही नहीं है, ना ही उस लड़की का है, तो आपको कॉमन थ्रेड्स नहीं मिलेंगे कनेक्ट करने के लिए, यू विल बी डिसअपॉइंटेड. एट द सेम टाइम आप उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि बहुत ही लाउड म्यूजिक या ढिंचक ढिंचक चल रहा, वो भी आपको पसंद नहीं है, बट आपको लगता है कि ऐसी कूल और यो यो क्लब में ले जा के मैं उसे इम्प्रेस करूँगा, इट्स अगेन नॉट गोइंग टू वर्क आउट. चूज अ प्लेस जहाँ पे कि आप उसके साथ दिल खोल के बातें कर सकें, बिकॉज दैट्स द होल एजेंडा. ठीक है, प्लेस के बाद बी योर बेस्ट वर्जन. When I say be your best version, I mean pay attention to how do you look. You should be well groomed. For example, नाखून काट के जाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं in grooming which you can pay attention to. You can Google, there are so many videos about it. Smell nice. That's one thing that I want
you to pay a lot of attention. Smell nice. Achhe khase iron press karke kapde baal baal bana lena. But smell nice. Aap jab dur se dekhoge, uske baad jab aap usse baatein karenge, usse pehle what she's going to experience is your fragrance. So make sure it's, you got to be refreshing. Manners. When I say you should be the best version of yourself, manners. Tehzeeb. Choti choti cheeze hain yaar, isme zyada kuch karna nahi hai. Agar aap kuch le rahe ho serving bowl se apni plate pe, can you ensure ki aap apni plate mein dalne se pehle uske liye dal do. Ye bahut zyada impress kar dega usko. So focus on your manners. Aur sirf uske sath nahi, with others also, because she is noticing you. Aisa na ho ki aap uske sath to polite ho lekin baakiyon ke sath aap chilla ke baat kar rahe ho, usse bade pyar se baat karo, fir aap chote idhar aa jara glass leke. वो आपने जो किया होगा ना सब कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा. सो पे अटेंशन टू योर मैनर्स, टू योर लुक्स. मैनर का एक और एग्जांपल दो जो कि मैंने देखा था. आई डोंट नो दिस वाज़ द फर्स्ट डेट और एंथ डेट. आई सी पीपल जो कि अगर बुफे होता है तो वो अपनी प्लेट को भर के लेके आ जाते हैं. एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड, आप फर्स्ट डेट पे खाने पीने के लिए नहीं आए हैं. यू आर देयर टू होल्ड कॉन्वर्सेशंस. एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी. नंबर थर्ड पॉइंट, do not be distracted. When I say distraction, I mean distractions like phone. Aapka phone pass mein pada hua hai, usme notification aa rahe hain, aap at the same time messages pe baat kar rahe hain. Please avoid doing this. In that moment, in that hour, your focus should be her. If you are distracted, she will lose interest in you. Usse ye lagega ki aap usko ye jatla rahe hain ki तुमसे बढ़ के भी बहुत सारी चीज़ें हैं विच कैन नॉट वेट. एंड इफ दे कैन दे कुड हैव वेटेड, यू वुड हैव रिप्लाई टू दोज एसएमएस बाद में, राइट. बियॉन्ड फोन, डू नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड टू पीपल अराउंड यू. एंड व्हेन आई से पीपल, आई मीन लेट्स से देयर इज अनदर गुड लुकिंग गर्ल इन दैट कैफेटेरिया, इन दैट रेस्टोरेंट, एंड इफ यू आर नोटिसिंग हर, देयर इज नो वे शी इज नॉट गोइंग टू नोटिस यू नोटिसिंग हर. So be focused. There are some deliberate distractions which can be done based on the situation. For example, and this I would, if you are such a person, and I don't want you to fake it, but if you are such a person, there are distractions which are allowed, which are going to woo her further. For example, you happen to notice a bouquet of flowers in that coffee shop, and you suddenly are distracted and you indulge her in the conversation. Ki yaar ye phool kitne khoobsurat lag rahe hain. So that she should not feel left out. Or maybe there's a little kid who passed by you too. And then you are distracted to see this, how sweet this kid is. Aur aap uske bare mein baat kar rahe ho. Flowers, kids, these are the conversations. These are human beings and items, ingredients beyond you, which the girl is going to like. There are chances. So, a deliberate distraction is allowed. Compliment her. Number four. Yes, compliment her. In the worst case scenario also, if you fail to find anything to compliment her, wait for her to smile. Kyunki bahut se logon ke sath hota hai ki mujhe samajh nahi aa raha hai main compliment karun kya. Aise bahut se log milte hain jinko agar main ye salah de raha hu to unko lagta hai ki yaar mujhe to kuch acha lag raha hai. Agar aapko kuch compliment like lag hi nahi raha, there is no way you are anyway going for a subsequent date with her. ठीक है. बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि हर इंसान में कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट वाली चीज़ होती है. अगर कुछ नहीं भी मिल रहा है, वेट फॉर हर टू स्माइल एंड एटलीस्ट यू कैन से दैट यू लुक ब्यूटिफुल व्हेन यू स्माइल. बट दिस वाज़ द वर्स्ट केस सिनेरियो. लेट मी कम टू द सनी डे सिनेरियो आउट देयर. व्हेन यू आर कॉम्प्लीमेंटिंग हर, प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू आर जस्ट नॉट कॉम्प्लीमेंटिंग हर फॉर द सेक ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग हर. गर्ल्स वुड बी एबल टू यू नो सी थ्रू दैट. Be genuine. Mean what you say. Do not compliment everything one by one. Tumhare baal bhi acche, tumhari aankhein bhi acche, tumhari... Hold on to this one or two elements that you want to talk about. And you should come very natural out to her. Panchwa aur sabse important point is pure video ka. Jitni cheeze maine kahi hai, sabse zyada important. The conversation. Pay a lot of attention to the conversation, because end of the day, this is why you are there for. End of the day, this is what you are going to leave her, to leave in her mind before you to walk away on that day. Please ensure the conversations are light-hearted,
and interesting. When I say light-hearted, I mean please avoid politics. Tu BJP ko vote deke aayi thi ki Congress ko, tumhari ideology kya hai? Avoid them. Religion, avoid them. Theek hai? Keep your conversations interesting. Something that you two can relate to, or something that she is curious about. I would rather tell her stories that I would imagine, observe around me, या फिर अपने बचपन की छोटी छोटी किस्से कहानियाँ कि मैं ऐसा था, तुम्हारा बचपन कहाँ बीता, वहाँ पे कैसी चीजें थी. Those are the kind of conversations. In conversations, what she is going to notice the most is the element of confidence. जब आप उससे बात करें, or any girl on first date, all she cares about is how confident is the man. So please pay enough attention. Hold on that anxiety, that nervousness. Tell yourself that you have got the foot in the door. Us ladki ka aapke saath date pe aana is a victory. It should boost your confidence level. And from here on, you're going to be confident and be the best version of yourself to take this conversation ahead. Confidence ke saath saath, the other thing that the girl is going to notice is the sense of humor. Ye shayad wo notice nahi karegi, uska subconscious mind आप ट्रिगर कर सकते हैं इफ यू हैव गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. दीज टू एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू बीइंग अ कॉन्फिडेंट मैन एंड यू बीइंग अ मैन हु कैन ऐड ह्यूमर टू द कॉन्वर्सेशन. हो सकता है कोई एक चीज ऊपर नीचे हो, अगर ये नीचे जा रही है तो ये ऊपर जानी चाहिए, अगर ये एंड द वाइस वर्सा. यू गॉट इट राइट. इन द कॉन्वर्सेशन एलिमेंट, मेक श्योर दैट देयर इज सम मिस्ट्री इन यू व्हिच शी इज गोइंग टू डिस्कवर. अगर मैं कुछ छोटे छोटे एनेक्डोट्स या किस्से कहानियां सुना रहा हूँ, आई वोंट रिवील इट ऑल. आई विल लीव समथिंग फॉर हर टू कम बैक टू मी. आई लीव हर क्यूरियस सो दैट शी डिमांड्स कि मुझे बताओ कि वो कहानी फिर कैसे खत्म हुई. लीव सम मिस्ट्री एंड हाउ यू बिल्ड अप इज इन योर हैंड्स. इट इज इम्पॉर्टेंट टू गिव हर अ रीजन to come back to you, and this could be the cue on which you are going to start another conversation by end of the day once you two have separated. So, apne sare patte pehle din hi mat khol dena. Keep something for later as well. Ye tha bahut important conversation wala chapter. There's one big mistake which men often land up doing is they appear desperate. And I won't hide behind words. आप फर्स्ट डेट पे जा रहे हो, आपने उसको पहले पिक्चर्स पे देखा हुआ है सोशल मीडिया पे, एंड ऑल इट्स प्लेइंग इन योर माइंड कि ओ माय गॉड, आई एम सीइंग दिस गर्ल नाउ इन फ्लेश एंड ब्लड मेरे सामने. हाउ इट वुड बी टू होल्ड हर, अपनी बाहों में ले लेना है, आई वांट टू किस हर, एंड वेरी सून आई वांट टू हैव सेक्स विथ हर. आई नो दीज आर द थॉट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड. होल्ड ऑन टू दीज थॉट्स. एंड यू नो वॉट, ये सब चीज़ें उसके दिमाग में भी आ चुकी हैं कि वो इंसान मेरे बारे में ऐसा ऐसा सोच भी रहा होगा, और ये चीज़ें उसके दिमाग में अपने लिए भी आएंगी कि दैट मे बी सून आई विल लैंड अप किसिंग दिस गाय एंड बी इन अ इंटीमेट रिलेशनशिप विथ हिम. ये सब सोचने के बाद ही उसने आपको आपकी ये पहली डेट के लिए हाँ कहा है. एंड जब आप दोनों को ये चीज़ें पता हैं, and you know that there is no reason for you to desperate, hold on to the horses. Ye cheeze hongi, there will be a time, but right now it's not the time for you to appear like a desperate man out there. This is one of the biggest mistakes a lot of men make in the initial few dates. In fact, forget about these thoughts of intimate relationship or making out. I would rather say that let that first date not be romantic also. आप ये ना कहें कि यार I'm in love with you, I think I'm falling in love with you, या मैं तुम्हारी झील सी नीली आंखों में डूब के समंदर में. ये 80s 90s में होता था, आज के दौर पे नहीं होता है. At the same time, I would say give enough reasons for you two to look forward to a great start of a relationship, and these things can happen in the subsequent dates also. Moreover, उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में प्लीज डू नॉट रोल अ रेड कार्पेट वेलकम फॉर हर कि भैया मैं तो लेट ही गया आपके चरणों पे, तुम ही हो देवी, बस मुझे स्वीकार कर लो. डोंट
if she is an attractive woman, there are chances, I'm dead sure, ki there are so many men who want the same thing out of her, ki yaar, ye mere saath relationship mein aa jaye. They all perhaps are rolling red carpet. They all are there to impress her. To aap different kaise ho? And agar main ek aurat hu aur mere samne 10-12 log khade hain, us sab mujhe impress karne ki koshish kar rahe hain, fir main kaise select karungi akkad bakkad Bombay ko? Think of this situation from her perspective. So be yourself. Maybe by your being yourself, being the confident you, and not continuously thinking mujhe isko impress karna, maybe you will land up impressing her in just a nice way. So that's for me. Ek aur mudda bahut baar aata hai ki pehli date pe bill kaun pay karega. I want to touch upon this also. Dekhiye, aaj ki date pe, आज के माहौल पे आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ द फैक्ट कि फर्स्ट डेट में अगर वो डेट ना भी हो, अगर आप किसी दोस्त से मिल रहे हो, इट शुड बी डच कि आप दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हो, बिकॉज यू डोंट इवन नो वेयर दिस रिलेशनशिप इज गोइंग ऑन, तो उसके बाद अपना डिसाइड कर सकते हो. बट देर आर सर्टन क्लॉजेज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर दो इंसानों में देर इज वन हु इज अर्निंग एंड द अदर परहैप्स इज अ स्टूडेंट, इट मेक्स सेंस फॉर द वन हु इज अर्निंग टू पे द बिल, एटलीस्ट ask to pay the bill. I would go by this in this scenario. Ya fir dusre case mein, if I'm the one jisne initiate kiya hai ye first date ka idea and I have called that person to this particular place, and I'm comfortable with this place, and because she has come, I'll show the courtesy ki theek hai, you have come, let me host this date for you, or maybe an understanding ki aaj main is wali date pe, let me take this bill and the next one will be on you. And if she's the one who's insisting, at the same time I would rather pitch ki can we Dutch, I would want to come on board. So these are certain things jiske sath aap cheezon ko maneuver kar sakte ho. Haan, agar mera koi dost bahar se aaya hai kisi shehar se, then I will be the host, I will go ahead and treat him or her. Aur main yahan pe dosti wali baat kar raha hu, I'm not talking about the first date, but yeah, when it comes to the first date ka bill, this is how you need to settle things. Last but not the least, show the courtesy to ask how are you going back home. Your idea is not to seek an opportunity ki main tumhe ghar tak drop karne aaun aur fir shayad tum mujhe poocho ki coffee peene aaoge mere ghar pe. Those are all old tricks, but genuinely show concern ki how are you going back home, do you have a ride with you, should I call a cab or whatever needs to be done. And once she has reached, please show the courtesy to text her and ask if she has reached or not. These are couple of tips for men so that unki agli first date better ho pichli wali se. Now comes the time for me to question. Agar aap is mahol mein ho, in a first date with this girl for the first time, jaate waqt ya us puri date pe aap aisi kaun si baat karenge usse jisse aapko lagta hai ki she would want to come back to you, maybe on a subsequent date or on messages, and talk about that particular talk. So aisa kya food for thought aap uske dimag mein chhod denge jiske bare mein wo sochna chahegi aur jise soch kar wo aapse fir milna chahegi. Please do answer this one. Thank you so much for watching this video. Agar aapko lagta hai ki ये वीडियो किसी और की मदद कर सकता है, प्लीज़ उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. इफ़ यू हैपन टू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक. योर लाइक्स बूस्ट माई कॉन्फिडेंस ताकि मैं ऐसे और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे आपके लिए वीडियो बना सकूं. इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, और हाँ, आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं. एंड इन केस यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, प्लीज़ डू दैट एंड हिट दैट बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन. टेक केयर, मे यू हैव ए ग्रेट फर्स्ट डेट. बाय.